तो आज हम सुपरस्टार सलमान खान की आने वाली 10 बड़ी फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 2023 से लेकर 2025 तक आने वाली है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, अभी अभी सलमान खान की किसी कमाई किसी की जान फिल्म रिलीज हुई है जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिसेंट कमाई कर रही है। तो चलिए देखते हैं इस फिल्म के बाद इनकी कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। वैसे इस फिल्म के बाद सलमान खान की बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्में आने वाली है जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी धमाकेदार कलेक्शन करने वाली है। तो प्लीज़ एक भी फिल्मों को मिस मत कीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिए अगर आप सलमान भाई के फैन हो। तो शुरू करते हैं। नंबर वन पे टाइगर 3। टाइगर 3 फिल्म सलमान खान की सबसे मच अवेटेड फिल्म है जिस फिल्म का सभी बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं क्योंकि ये फिल्म टाइगर फ्रेंचाइजी की थर्ड इंस्टॉलमेंट है। पिछली दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर गई थी और लोगों को भी खूब पसंद आई थी। एक था टाइगर 2012 में आई थी, वहीं टाइगर जिंदा है 2017 में आई थी। पहली फिल्म ने 335 करोड़ का कलेक्शन की थी, वहीं दूसरी फिल्म ने 565 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाई थी। टाइगर 3 फिल्म में हम सभी को सलमान खान, कैटरीना कैफ और विलन के रोल में इमरान हाशमी दिखाई देने वाले हैं। ये फिल्म एक बड़ी स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिस फिल्म को 350 करोड़ के बजट पर तैयार किया गया है। टाइगर 3 की खास बात यह है कि इस फिल्म में पठान यानी कि शाहरुख खान एक्सटेंडेड कैमियो रोल में नजर आने वाले हैं। इस बड़ी फिल्म को मनीष शर्मा डायरेक्शन दिए हैं। ये फिल्म 10 नवंबर को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में आने वाली है। नंबर 2 प्लेस पे एक अनटाइटल फिल्म। सलमान खान की प्रोड्यूसर करण जौहर के साथ भी एक बड़ी फिल्म आने वाली है जो कि ईद के मौके पर रिलीज होगी। ये फिल्म एक बिग बजट फिल्म होगी जिसको करण जौहर प्रोड्यूस करेंगे धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले। इस फिल्म में सलमान खान लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म को विष्णु वर्धन डायरेक्ट करेंगे जो कि शेरशाह जैसी वन ऑफ द बेस्ट हिंदी फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं। इस फिल्म के अलावा भी इन्होंने बिल्ला, आरंभम, पंजा जैसी बड़ी अच्छी साउथ फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, इसीलिए इस फिल्म से सभी को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इस फिल्म का जॉनर एक्शन थ्रिलर बताया जा रहा है। ये फिल्म ईद 2024 को आने वाली है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक। नंबर 3 पे प्रेम की शादी। ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा फिल्म होगी जिस फिल्म में हम सभी को सलमान खान एक बार फिर से अपने आइकॉनिक कैरेक्टर प्रेम के रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म में प्रेम की शादी होने वाली है। जी हाँ, इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट सलमान खान और डायरेक्टर साहब खुद कर चुके हैं। अच्छा, प्रेम लौटेंगे और ये प्रेम की शादी कराने पिक्चर है। ये एक मेगा बजट फिल्म होगी जिसको सूरज भरजातिया जी डायरेक्शन देंगे, जिनकी लास्ट मूवी को ऑलमोस्ट सभी ने काफी सराहा है। ऊंचाई फिल्म ऑलमोस्ट सभी को काफी पसंद आई थी। ये सलमान खान और डायरेक्टर सूरज भरजातिया का 5वां कोलैबोरेशन होने वाला है। इससे पहले ये दोनों एक साथ मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, प्रेम रतन धन पायो जैसी सुपर हिट फिल्म कर चुके हैं। तो प्रेम की शादी भी एक बहुत ही बड़ी धमाकेदार फिल्म होने वाली है। सलमान खान एक बार फिर से प्रेम बनकर आने वाले हैं। कब? दिवाली 2024 में। सलमान खान की इस मच अवेटेड फिल्म को राजश्री प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेगी। यहाँ पर आके नहाते थे नंगे। नंबर 4 पे पवन पुत्र भाईजान। ये फिल्म सलमान खान की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और वन ऑफ द बेस्ट फिल्म बजरंगी भाईजान का सीक्वल होगी जो कि 2015 के ईद के मौके पर आई थी। ये फिल्म 90 करोड़ के बजट पर बनने के बाद 969 करोड़ का दमदार कलेक्शन करके एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। बजरंगी भाईजान के सेकेंड इंस्टॉलमेंट का टाइटल पवन पुत्र भाईजान रखा गया है। इस फिल्म के सीक्वल की अनाउंसमेंट सलमान खान कब का कर चुके हैं। Wow. इस फिल्म की स्टोरी वी विजेंद्र प्रसाद लिखे हैं जो कि पार्ट वन की भी स्टोरी लिखे थे। पवन पुत्र भाईजान फिल्म की कहानी में 8 से 10 साल का लीप आएगा, यानी कि हम सभी को 8 से 10 साल आगे की कहानी देखने को मिलेगी पवन पुत्र भाईजान फिल्म में। इस फिल्म के लीडिंग रोल में सलमान खान दिखाई देने वाले हैं। ये फिल्म 2025 नहीं तो 2026 तक देखने को मिलेगी। नंबर 5 है टाइगर वर्सेस पठान। ये फिल्म सलमान खान की आने वाली सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है जिस फिल्म के लिए सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि इस फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान लीडिंग रोल में दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ, फिल्म में सलमान खान इस टाइगर, वहीं शाहरुख खान इस पठान दिखाई देंगे। इस फिल्म में हमको पठान और टाइगर एक साथ नहीं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ दिखाई देने वाले हैं, यानी कि दोनों का काफ़ी तगड़ा वाला फेस ऑफ देखने को मिलेगा टाइगर वर्सेस पठान फिल्म में। ये फिल्म वायरफ के स्पाई यूनिवर्स के 7th इंस्टॉलमेंट होने वाली है। टाइगर 3 और वॉर 2 फिल्म के बाद स्पाई वर्स में यही फिल्म आने वाली है। टाइगर वर्सेस पठान फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे जो कि पठान
और वॉन्ट जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। ये एक बिग बजट एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसकी शूटिंग 2024 से स्टार्ट होगी और ये बड़ी फिल्म 2025 तक आने वाली है। नंबर 6 पे किक 2। किक 2 सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। इस फिल्म की अनाउंसमेंट काफी पहले हो चुकी है। ये फिल्म 2014 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म किक का सीक्वल होने वाली है, जिस फिल्म में 402 करोड़ का कलेक्शन करके 2014 के सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी थी। किक 2 फिल्म के स्क्रिप्ट पर अभी भी काम चल रहे हैं। जी हाँ, इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट जैकलिन फर्नांडिस दिखाई देंगी। फिल्म को साजिद नेडियाडवाला ही डायरेक्ट करने वाले हैं, जो कि पार्ट 1 को भी डायरेक्ट किए थे। नंबर 7 प्लेस पे है सलमान खान के डायरेक्टर अली अब्बास जफर के साथ भी एक बड़ी फिल्म आने वाली है। ये फिल्म एक बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसको अली अब्बास जफर डायरेक्ट करेंगे, जो कि सलमान खान के साथ 3 बड़ी हिट मूवी ऑलरेडी कर चुके हैं। टाइगर जिंदा है, सुल्तान, भारत, तीनों मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बढ़िया कलेक्शन की थी। वैसे इस फिल्म की शूटिंग इंडिया और ओवरसीज लोकेशन पर होगी। बड़ी मियां छोटी मियां फिल्म खत्म करने के बाद अली अब्बास जफर इसी मूवी को डायरेक्ट कर सकते हैं। नंबर 8 पे दबंगखोर। दबंगखोर सलमान भाई की मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी दबंग का 4th इंस्टॉलमेंट होने वाली है। दबंग फ्रेंचाइज की पहली फिल्म दबंग 2010 में आई थी। ये फिल्म 41 करोड़ के बजट पर बनने के बाद 140 करोड़ का कलेक्शन करके एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। फिर इसके बाद आई थी 2012 में दबंग 2। ये फिल्म 84 करोड़ के बजट पर बनने के बाद 155 करोड़ का कलेक्शन करके ये फिल्म भी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। फिर 2019 में आई थी दबंग 3, जो कि अपने एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतर पाई। ये फिल्म 125 करोड़ के बजट पर बनने के बाद 151 करोड़ का नेट कलेक्शन करके एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। वैसे दबंग 4 फिल्म में सलमान खान के साथ सोनाक्षी सिन्हा एक बार फिर से दिखाई देने वाली हैं। दबंग फ्रेंचाइजी के प्रोड्यूसर अरबाज खान कंफर्म कर चुके हैं कि दबंग का 4th पार्ट भी आने वाला है। इस फिल्म के स्क्रिप्ट पर तिग्मांशु धूलिया काम कर रहे हैं, जो कि साहेब बीवी और गैंगस्टर और पान सिंह तोमर जैसी अच्छी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। तिग्मांशु धूलिया ही दबंग के 4th पार्ट को डायरेक्ट करने वाले हैं। वैसे दबंग 4 2025 तक देखने को मिल सकती है। अभी तक सबको निराया है, अब सबको धोऊंगा। नंबर 9 पर नो एंट्री मेंट्री। ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म होगी जिस फिल्म में सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान दिखाई देने वाले हैं। तीनों इस फिल्म में डबल रोल में दिखाई देंगे। फिल्म को अनीस बज में डायरेक्ट करने वाले हैं। ये फिल्म 2005 में आई सुपरहिट फिल्म नो एंट्री का सीक्वल होने वाली है, जिस फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इसी वजह से ये फिल्म उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इस फिल्म को आने में और थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस फिल्म को कुछ समय के लिए होल्ड पर रखा गया है। नंबर 10 प्लेस पर सलमान खान की मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन के साथ भी एक बड़ी फिल्म आ सकती है। मैत्री मूवी मेकर्स पुष्पा द राइज और वर्ल्ड वेरिया जैसे सुपरहिट फिल्म को प्रोड्यूस कर चुकी है। इस फिल्म को हरीश शंकर डायरेक्ट करने वाले हैं, जो कि गब्बर सिंह जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं, जो कि सलमान खान की आइकॉनिक मूवी दबंग फिल्म की रीमेक थी। ये एक पैन इंडिया फिल्म होगी जो कि आने वाले सालों में देखने को मिलेगी। तो ये थी सलमान खान की आने वाली सारी की सारी फिल्में। तो आप सभी लोग इस फिल्म के लिए वेट कर रहे हो, आप सभी को लिखकर कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।